हेलो स्टूडेंट्स, ये आपकी EBS बुक है जिसका फर्स्ट चैप्टर है माय फैमिली। माय फैमिली मींस मेरा परिवार। यहाँ से हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। वी ऑल लिव इन अ फैमिली। वी ऑल लिव इन अ फैमिली। हम सब एक फैमिली में रहते हैं। पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन मेक अ फैमिली। एक फैमिली कैसे बनती है? पेरेंट्स मतलब माता पिता और बच्चे, ये मिलकर एक फैमिली कहलाते हैं। ये देखिए यहाँ पे, हेलो आई एम निशा। हेलो, मैं निशा हूँ। आई एम अ गर्ल, मैं एक लड़की हूँ। आई हैव फोर मेंबर्स इन माय फैमिली। मेरे फैमिली में, मेरे परिवार में फोर मेंबर्स हैं, चार सदस्य हैं। राहुल इज़ माय बिग ब्रदर। राहुल मेरा बड़ा भाई है। वी लिव इन अ होम विथ आवर फादर एंड मदर। हम अपने घर में अपने माता पिता के साथ रहते हैं। वी लिव इन अ स्मॉल एंड न्यूक्लियर फैमिली। हम एक छोटी न्यूक्लियर फैमिली मतलब स्मॉल फैमिली, जिसमें भाई बहन और मम्मी पापा होते हैं, जिसमें अंकल आंटी शामिल नहीं होते। तो हम एक छोटे न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं। हैविंग फोर मेंबर्स, जिसमें फोर मेंबर्स हैं। ये आपकी जो पिक्चर है उससे रिलेटेड ये पैराग्राफ आपने पढ़ा है। यहाँ पर दो बच्चे और उनके माता पिता हैं, तो ये न्यूक्लियर फैमिली है, छोटा परिवार। अब देखिए यहाँ पर, हेलो आई एम समीर। हेलो, मैं समीर हूँ। आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूँ। आई हैव सिक्स मेंबर्स इन माय फैमिली। मेरी फैमिली में छः सदस्य हैं, सिक्स मेंबर्स। ये पिक्चर दिख रही है आपको, इसके बारे में कहा जा रहा है। माय पेरेंट्स हैव फोर चिल्ड्रन, मतलब मेरे पेरेंट्स, मेरे माता पिता के फोर चिल्ड्रन हैं, चार बच्चे हैं। वी ऑल लिव इन अ बिग फैमिली। तो हम सब एक बिग फैमिली में रहते हैं। जहाँ पर चार से ज़्यादा लोग होंगे वो एक बिग फैमिली कहलाएगी। तो हम एक बिग फैमिली में रहते हैं। यहाँ देखिए, ये थिंक एंड राइट में एक बॉक्स बना हुआ है, ये आपको फिल करना है। इसमें लिखा है, नेम द मेम्बर्स इन योर फैमिली, ऑल्सो राइट योर रिलेशन विथ देम। आपको अपने फैमिली मेम्बर्स के नेम लिखने हैं, यहाँ पर फोर मेम्बर्स के नेम लिखने हैं, और यहाँ पर उनसे रिलेशन, उनके साथ आपका क्या रिलेशन है, वो आपके कौन हैं, तो वो लिखना है। जैसे आप अपने फादर का नाम यहाँ पर लिखेंगे, पापा का नाम, और रिलेशन क्या है, फादर हैं वो आपके, तो यहाँ फादर आ जाएगा। यहाँ मम्मी का नाम, और यहाँ पर उनसे रिलेशन क्या है, मदर हैं, तो रिलेशन में मदर, या आप बॉय हैं तो सन, या गर्ल हैं तो डॉटर, इस तरीके से रिलेशन यहाँ पर लिखना है। विथ होम डू यू रिजेंबल इन योर फैमिली। तो यहाँ पर रिजेंबल का मीनिंग होता है किसी के जैसा दिखना। तो आप अपनी फैमिली में किसके समान दिखते हैं, किसके जैसे दिखते हैं, तो यहाँ पर लिखना है जिसके जैसे आप अपने फैमिली में दिखते हैं। मान लीजिए आप अपने फादर जैसे दिखते हैं, तो यहाँ पर माई फादर। मम्मी जैसे दिखते हैं तो माय मदर। तो यहाँ पे आपको वो रिलेशन लिखना है। चलिए आगे देखते हैं। हेलो आई एम विक्की। आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली। मैं विक्की हूँ। हेलो आई एम विक्की। आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली। मैं विक्की हूँ, मेरा नाम विक्की है, और मैं एक जॉइंट फैमिली में रहता हूँ। जॉइंट फैमिली मतलब बड़ा परिवार, जिसमें अंकल आंटी ग्रैंड पेरेंट्स भी शामिल होते हैं। देयर आर नाइन मेंबर्स इन माय फैमिली। मेरे परिवार में, मेरे फैमिली में नाइन मेंबर्स हैं, नौ सदस्य हैं। माय ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, फादर, मदर, अंकल, आंट। आई एंड माय कजन्स लिव टुगेदर। कौन कौन रहता है फैमिली में साथ में? ग्रैंड फादर, दादाजी, दादी जी, फादर पिताजी, माँ, अंकल आंटी, एंड माय कजन्स। कजन्स मतलब होता है अंकल आंटी के जो बच्चे होते हैं, आपके भाई बहन कहलाते हैं, वो कजन्स होते हैं। तो लिव टुगेदर, हम सब साथ साथ रहते हैं, इसलिए कौन सी फैमिली हुई? जॉइंट फैमिली। ये पिक्चर देखिए, ये जॉइंट फैमिली है। द चिल्ड्रन ऑफ माय अंकल एंड आंट आर माय कजन्स। मेरे अंकल के जो बच्चे हैं वो मेरे कजन्स हैं। वी ऑल वर्क एंड प्ले
टुगेदर काम करते हैं और खेलते भी हैं। तो ये कौन सी फैमिली कहलाई? जॉइंट फैमिली, जिसमें ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, अंकल आंटी होते हैं और उनके बच्चे शामिल होते हैं। यहाँ पे देखिए एक पिक्चर दी गई है, रिलेशन विथ फैमिली मेम्बर्स, ये चार्ट बना हुआ है जहाँ लिखा है, देखिए ये चार्ट बना हुआ है और यहाँ पे लिखा है दादा दादी, फूफा बुआ, पापा मम्मी, चाचा चाची, स्मिता साहिल रीना मनु। तो ये रिलेशन चार्ट है, यहाँ से देखिए ये रिलेशन चार्ट है। दादा दादी से कौन कौन है, उनके साथ उनके बच्चे कौन कहलाएंगे? दादा दादी की जो बेटी होंगी वो यहाँ से बुआ है ना, उनके बेटे आपके पापा हैं। फिर मम्मी चाचा चाची सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ये एक फैमिली है। तो किससे कौन आया? दादा दादी से बुआ जी आई, बुआ के हस्बैंड फूफा जी कहलाएंगे और उनकी बेटी। यहाँ पर दादा दादी के जो सन होंगे वो आपके पापा और साथ में मम्मी, और आप यहाँ पर साहिल। देखिए यहाँ से दादा दादी के जो दूसरे बेटे होंगे वो आपके अंकल होंगे और उनकी वाइफ आंटी होंगी, चाचा चाची और उनके दो बच्चे। तो इस तरीके से ये पूरा जॉइंट फैमिली कहलाएगा। दिस इज साहिल्स जॉइंट फैमिली, ये आप है मान लीजिए साहिल, तो ये साहिल की जॉइंट फैमिली है। ही लिव्स विथ हिज दादा दादी, वो अपने दादा दादी के साथ रहता है, पापा मम्मी चाचा चाची, हिज कज़न सिस्टर कौन कौन? रीना एंड कज़न ब्रदर मनु, ये उसके चाचा चाची या बुआ फूफा जी के जो बच्चे होंगे वो कहलाएंगे। तो उनके साथ साहिल रहता है, जॉइंट फैमिली में रहता है। ही ऑल्सो के साथ रहता है साहिल, दादा दादी पापा मम्मी चाचा चाची एंड कजन सिस्टर रीना एंड कजन ब्रदर मनु, इन सबके साथ वो जॉइंट फैमिली में रहता है। ही ऑल्सो हैज रिलेटिव्स हु डू नॉट लिव विथ हिम, उसके और भी कई रिलेटिव हैं जो उसके साथ नहीं रहते, उसके घर नहीं रहते। जैसे कि हिज बुआ इज मैरिड, उसकी जो बुआ है वो मैरिड है, मतलब उनकी मैरिज हो चुकी है, शादी हो चुकी है। शी लिव्स विथ हिज फूफा, वो अपने साहिल की फूफा जी के साथ रहती है, उनकी बुआ। एंड कज़न सिस्टर स्मिता, उनकी कज़न सिस्टर कौन है? स्मिता है। इन अनदर सिटी, जो कि किसी दूसरे सिटी में रहती है। हिज बुआज फैमिली विजिट्स हिज हाउस इन हॉलीडेज एंड ऑन स्पेशल ओकेजन, उनकी बुआ की जो फैमिली है वो साहिल के घर छुट्टियों में आती है, हॉलीडे में आती है, या फिर कभी कोई स्पेशल ओकेजन होता है, कोई फेस्टिवल या कुछ सेलिब्रेशन होता है, तब साहिल के घर पर आते हैं। फैमिली एज अ सपोर्ट, फैमिली एज अ सपोर्ट का मीनिंग क्या है? परिवार में जब सब लोग एक साथ रहते हैं तो एक दूसरे का सपोर्ट मतलब हेल्प करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। एवरी फैमिली वर्क्स टुगेदर, हर फैमिली के मेंबर्स साथ साथ में काम करते हैं। वी लर्न मैनी थिंग्स इन अवर फैमिली, हम अपने परिवार से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। लेट अस सी, चलो देखते हैं हाउ निशाज फैमिली वर्क्स टुगेदर, निशा की जो फैमिली है वो एक साथ काम कैसे करती है। तो ये निशा की फैमिली के बारे में बात हो रही है। माई फादर वर्क्स इन अ ऑफिस, मेरे पिताजी जो हैं वो ऑफिस में काम करते हैं। ही वर्क्स हार्ड टू अर्न मनी, वो अर्न मनी मतलब पैसे कमाते हैं, तो उसके लिए वो वर्क हार्ड मतलब कड़ी मेहनत करते हैं। ही ब्रिंग्स ग्रॉसरी आइटम फ्रॉम द मार्केट ऑन संडे, संडे के दिन वो ग्रॉसरी आइटम मतलब क्या होता है, जो घर में जरूरी सामान होता है खाना पकाने के लिए या खाने का जो सामान होता है, तो वो संडे के दिन सारा सामान घर पर लाते हैं। माई मदर इज अ हाउस वाइफ, मेरी माँ एक हाउस वाइफ है। हाउस वाइफ वो कहलाती है जो कोई बाहर जाके जॉब नहीं करती, घर पे सारा काम करती है और सबकी देखभाल करती है। शी क्लीन्स द हाउस एंड कीप्स ऑल द थिंग्स एट देयर प्रॉपर प्लेस, सी क्लीन्स द हाउस, वो घर की साफ सफाई करती हैं। सी कीप्स ऑल द थिंग्स एट देयर प्रॉपर प्लेसेस, वो सारी चीज़ें अपने ठीक जगह पर रखती हैं। सी ऑल्सो कुक्स डिलीशियस फूड एंड फूड फॉर आवर फैमिली, और हमारे परिवार के लिए अच्छा अच्छा डिलीशियस टेस्टी खाना पकाती हैं। समटाइम आई हेल्प माई मदर इन किचन, कभी कभी मैं भी अपने माँ की हेल्प किचन में करता हूँ।
या करती हूँ, निशा है तो करती हूँ। आई हैव ऑल्सो लर्न टू कीप माई थिंग्स एट देयर प्रॉपर प्लेस, और मैंने भी उनसे ही सीखा है अपनी चीज़ों को सही जगह पर रखना। आई क्लीन माई रूम एवरी वीकेंड, हर सप्ताह मैं अपने रूम की साफ सफाई करती हूँ। आई हैव ऑल्सो लर्न टू ले माई बेड एट नाइट, और आई हैव ऑल्सो लर्न टू ले माई बेड एट नाइट, हर रात मैं जाकर अपने बेड पर सो जाता हूँ। ये सारा काम मैंने अपनी माँ से ही सीखा है। आई हेल्प माई मदर इन द किचन, कभी कभी मैं अपनी माँ की हेल्प करती हूँ किचन में। आई हैव ऑल्सो लर्न टू कीप माई थिंग्स एट देयर प्रॉपर प्लेसेस, मैंने उनसे ही सीखा है अपनी चीज़ों को सही जगह पर रखना। आई क्लीन माई रूम एवरी वीकेंड, सप्ताह के अंत में मैं अपने रूम की साफ सफाई भी करती हूँ। आई हैव ऑल्सो लर्न टू ले माई बेड एट नाइट, और रात में मैं अपने बेड पर जाकर सोती हूँ। माई बिग ब्रदर हेल्प्स माई फादर टू क्लीन हिज कार, मेरे जो बड़े भाई हैं वो मेरे पापा की हेल्प करते हैं उनकी कार की साफ सफाई करने में, साफ करने में। ही ऑल्सो ब्रिंग्स मिल्क एंड ब्रेड डेली फ्रॉम द मार्केट, और क्या काम करता है मेरा भाई, मार्केट जाकर ब्रेड मिल्क ये सारी चीज़ें लाता है। वी शुड लव एंड केयर फॉर ईच मेंबर ऑफ अवर फैमिली, वी शुड लव एंड केयर, हमें अपने फैमिली के हर एक मेंबर से, लव एंड केयर का मतलब क्या हुआ, प्यार से व्यवहार करना चाहिए और केयर उनकी देखभाल भी करनी चाहिए। तो इस तरीके से फैमिली में सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। लुकिंग अलाइक, अलग अलग दिखना, कैसे, देयर आर मेंबर्स इन अ फैमिली हु लुक अलाइक, कभी कभी फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं वो थोड़े अलग अलग दिखते हैं। आई एम रीना, मैं रीना हूँ। आई लुक वेरी सिमिलर टू माई मदर, मैं अपने माँ से बहुत मिलती जुलती हूँ, मतलब माँ जैसी लगभग दिखती हूँ। आई कैन टॉक वॉक एंड स्माइल लाइक माई मदर, मैं अपनी माँ के जैसी बात करती हूँ, माँ के जैसे चलती हूँ, और मेरी स्माइल भी बिल्कुल मेरी माँ की तरह है। माई मदर एंड माई वॉइस इज़ ऑल्सो वेरी सिमिलर, मेरी माँ की वॉइस मतलब आवाज़, मेरी और मेरी माँ की जो वॉइस है, आवाज़ है, वो बहुत मिलती जुलती हैं, एक जैसी हैं। माई ब्रदर रवि इज़ वेरी सिमिलर टू माई फादर, मेरा जो भाई है रवि वो मेरे पापा जैसा दिखता है। हिज वॉइस इज़ सिमिलर टू माई फादर्स वॉइस, उसकी आवाज़ मेरे पापा की आवाज़ की जैसी है। ही इवन लाफ्स एज लाउड एज माई फादर, यहाँ तक कि वो मेरे पापा के जैसे ज़ोर से हंसता है। माई रिलेटिव्स इवन से दैट माई फादर जस्ट बिहेव्ड लाइक माई ब्रदर, मेरे रिलेटिव्स जो हैं, मेरे जो रिश्ते वाले हैं, रिश्तेदार हैं, वो भी ऐसे कहते हैं दैट माई फादर जस्ट बिहेव्ड लाइक माई ब्रदर वेन ही वॉज यंग, जब मेरे पापा छोटे थे, मेरे भाई के एज के थे, तब वो भी उसके जैसे ही थे, उसके जैसे ही बिहेव करते थे। माई फादर रिजेंबल्स माई ग्रैंड फादर, मेरे जो फादर हैं, पापा हैं, वो मेरे दादाजी के समान दिखते हैं, दादाजी जैसे दिखते हैं। माई अंकल लुक्स लाइक माई फादर, मेरे चाचा जी जो हैं वो मेरे पापा के जैसे दिखते हैं। माई कज़न सिस्टर रिजेंबल्स वेरी क्लोज टू माई आंट, मेरी कज़न सिस्टर जो है, मतलब मेरे चाचा की जो बेटी है, या वो बिल्कुल मेरे आंटी के जैसी दिखती है। तो यहाँ पर लुकिंग अलाइक का क्या मीनिंग था, एक समान दिखना, कौन किसके जैसा दिखता है। कई लोग अलग अलग भी दिखते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग फैमिली में एक जैसे भी दिखते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन दिया है, विथ होम डू यू रिजेंबल इन योर फैमिली, फिर से वही क्वेश्चन है, आप अपनी फैमिली में किसके जैसे दिखते हैं। तो यहाँ उसका आंसर लिखना है, किसके जैसे दिखते हैं। ये वर्ड्स दिए हैं आपको, इनको पढ़ लेना है। न्यूक्लियर फैमिली कौन सी कहलाती है, पेरेंट्स एंड देयर वन और टू चिल्ड्रेन, जिसमें मम्मी पापा होते हैं और एक या दो बच्चे होते हैं, वो न्यूक्लियर फैमिली स्मॉल फैमिली कहलाती है। कजन्स कौन कहलाते हैं, अंकल एंड आंट चिल्ड्रेन, चाचा चाची के जो बच्चे हैं वो कजन्स कहलाते हैं। ग्रॉसरी मीनिंग क्या होता है, फूड कमोडिटीज़, खाना बनाने में ज़रूरी चीज़ें या खाने की चीज़ें भी जिनको हम बोल सकते हैं, जैसे शुगर, मिल्क हुआ, है ना, या फिर खाना बनाने के लिए जो जो चीज़ों की ज़रूरत होती है
वो सारी चीज़ें ग्रोसरी आइटम कहलाते हैं।